कार, लास्ट वीडियो में बोर्ड आपका चमक रहा था, आपको दिख नहीं रहा था, इससे आप काफ़ी नाराज़ लग रहे थे। कोई दिक्कत नहीं है, बस फीडबैक दे दिया करिए, मैं वो सारे वीडियोस फिर से बनाऊंगी जिस पे आपको कोई समस्या है। तो हमने क्या देखा था लास्ट वीडियो में कि बहुबुद्धि सिद्धांत का क्या आपका ट्रिक है सीखने का कि हमें इसके स्टेप प्रॉपर रूप से याद हो जाएं। तो हम इसको जो सीखेंगे, ये किसने दिया है? गार्डनर ने, हार्वर्ड गार्डनर। देखिए, अब गार्डनर के दिए गए इस बहुबुद्धि सिद्धांत को अगर हम जाने, तो इसमें इन्होंने कहा था कि बुद्धि कई प्रकार की होती है, ठीक है, एक ही प्रकार की बुद्धि नहीं होती। तो वो कई प्रकार जो उन्होंने बनाए उसको हम एक गाने के माध्यम से सीखेंगे। कौन सा गाना? जो दूरदर्शन पे प्रचलित है, क्या मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा, ठीक है। अब देखिए, इस गाने के माध्यम से हम कैसे सीखेंगे, तो ये गाने की क्या खासियत है कि ये कई भाषाओं में गाया गया है, या गाना जो गाया जाता है तो किसी न किसी भाषा में होता है। तो ये क्या पहले खासियत, क्या ये कई भाषाओं में गाना गाया गया है, आप इसको अच्छे से जानते हैं कि मिले सुर मेरा तुम्हारा कई भाषाओं में गाया गया। हमने एक तर्क दिया, क्या दिया? तर्क दिया कि इस सिद्धांत को इस लाइन के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। तो एक एक टर्म क्या हो गया आपका? तर्क हो गया। फिर अब ये सुर से क्या बनेगा आपका? संगीत, ठीक है, क्या बन रहा है? संगीत। आप देखिए, मेरा मतलब मेरे, मेरा मतलब मेरे अंदर का, है ना, मेरा मतलब मेरे अंदर का। तो मेरा क्या होगा? अंतःव्यक्तिक, जो संबंध होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आपका खुद से और एक आपका दूसरे से। जो आपका खुद से होता है वो अंतर्वैयक्तिक होता है, और एक जो दूसरे से होता है वो अंतर्वैयक्तिक। लेकिन यहाँ बुद्धि के प्रकार बता रहे हैं, कौन सा प्रकार? अंतर्वैयक्तिक प्रकार। अब देखिए, तुम्हारा मतलब आपसे, तो क्या हो गया? अंतर्वैयक्तिक, ठीक है। तो सुर बने हमारा। अब ये जो मिलेंगे ये सुर, तो कोई ना कोई जो फ्रिक्वेंसी होगी वो टकराएगी, तो क्या होगा उसमें वेव बनेगा। तो वेव बनेगा, या कहेंगे कि जब कोई दो चीज़ टकराती हैं तो कुछ ना कुछ क्या होती है? गति होती है। तो क्या करेंगे? ये हम कह देंगे कि गति, ठीक है, क्या हो गया? गतिक। अब देखिए, ये जो हमारा सुर मिला वो कहीं ना कहीं मिला होगा, तो ये क्या हो गया? स्थानिक, ठीक है। तो ये आपके क्या प्रॉपर स्टेप हो गए बहुबुद्धि सिद्धांत के? भाषा, संगीत, अंतर्वैयक्तिक, 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 तर्क, गतिक, स्थानिक। अब हमने इसको किस विधि से सीखा आपको ये समझना है। अगर प्रॉपर स्टेप इसमें देखेंगे तो हमने कुल 7 सुरों से जो गाना बनता है, तो 7 स्टेप हमने इस सॉन्ग के माध्यम से सीखा। लेकिन ये किस विधि से सीखा? तो ये विधि आपकी है प्रकृतिवादी, प्राकृतिक विधि है ना। देखिए कैसे सीखा हमने, गाने के माध्यम से सीखा। तो ये आपका एक और आपका टर्म आ गया प्रकृतिवादी। ये लास्ट कभी कभी 7 ही देता है और कभी कभी 8 में बताता है। तो ये इतने स्टेप है, क्या मिले सुर। तो हमने एक तर्क दिया कि हम इस गाने से सीखेंगे, तो पहला स्टेप आपका तर्क हो गया। दूसरा, इस ये गाना जो हमने चूज़ किया ये कई भाषा में है, तो ये दूसरा स्टेप हो गया। फिर सुर, तीसरा संगीत, मेरा चौथा, तुम्हारा पाँचवा, फिर क्या दोनों मिले तो कुछ ना कुछ गति हुई छठवां, और फिर ये कहीं तो मिले होंगे, ठीक है, तो ये 7वां, ये स्टेप। और किस विधि से हमने सीखा? ये 8वां स्टेप आपका हो गया। जनरली हमें 7 स्टेप इस गाने के माध्यम से याद कर लेने हैं कि कहाँ कौन सा स्टेप आ रहा है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इन जो ये कंटेंट दिए हुए हैं उन्होंने, ये जो बुद्धियों का प्रकार दिए हुए हैं, इसकी क्या विशेषताएँ हैं।